आज मेरा सारा फोकस पेड़ों और दीवारों के रिश्ते पे है। ये एक दीवार है जो समझ बूझ से वक्त रहते स्कूल वालों ने अंदर कर दी और बाकी श्रद्धालुओं ने जो एक झरोखा बना था और ये हमारे मूसा जी ने भी इसको अपना एक स्थान बना लिया। पानी पिलाने वालों ने वो हमारे जो डिवाइन वाटर कपल हैं उन्होंने यहाँ पे पीने के लिए पानी भी रख दिया। इसी को पक्षी पीते हैं, इसी को चूहे पीते हैं, इसी को गिलहरी पीती है। पर जब इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो वो हो जाता है। दीवार बड़ी दूर तक गिरती, शायद गिरी थी, उसी को रिपेयर करके जो एक टुकड़ा था दीवार का, हाँ बिल्कुल वहाँ तक गिरी थी, दोनों साइड में गिरी थी और रेलिंग उसको बचा लेती कुछ वक्त तक। ये समझदारी से स्कूल वालों ने अंदर कर दिया। बहुत कुछ है इस दीवार में, एक कहानी है पूरी जीवन की। लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती माता हैं और वो अपने हम इनमें गणेश जी देखते हैं पर ये गणेश जी नहीं है, ये बच्चों के कोई बाबा हैं, हनुमान जी हैं। एक मंदिर टूटा हुआ है, पीछे में घड़ा है जिसमें वो चूहा रहता है। तो एक इकोसिस्टम में ये हमारे सामने है कि गिरने से पहले बचा दी गई या गिरने के बाद। तो अभी अंदर की हमारी सोसाइटी की, पुष्पक सोसाइटी की एक दीवार गिर रही है और वो बड़ा कांड कर सकती है। और उधर में एक दीवार है जो पार्क में, वो दो पेड़ों ने मिलके गिरा दी। पेड़ गिर गए तो दीवार भी गिर गई। तो आज का दिन समर्पित है वृक्षों को और दीवारों को। भगवान करे दोनों सलामत रहें और किसी के जान माल की कोई हानि ना हो।